आप हमारे चैनल आरपी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बगल में दिख रही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सामाजिक संगठन के लोगों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान के अधिकार के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर ईश्वर सिंह शेखावत, राजकरण एडवोकेट अजय जायलवाल, संजय वर्मा ने लोहारू के तमाम जगह पर जाकर आगामी 12 मई को लोकसभा आम चुनाव 2019 में मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए मतदाताओं को जागरूक किया। ज्यादा से ज्यादा वोट कौन करें भाई साहब, जहां आपकी मर्जी हो लेकिन राष्ट्र हित को देखते हुए भाई साहब, भाई साहब ज्यादा से ज्यादा वोट कौन करें भाई साहब, ये आपकी मर्जी है लेकिन राष्ट्र का ही ध्यान रखना भाई साहब। व्यक्तिगत ढांचे में उनका वोट 100% होना जरूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र बुनियादी ढांचा है, इसमें आपका एक वोट उसकी नीम की पत्थर साबित होता है, इसलिए 100% वोट पोल के हम यही जागरूकता ला रहे हैं जी आम जन में। आप जो लोगों से मिल रहे हो, आपको किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है और आप किस बातों से उनको अवगत करवा रहे हैं? भाई साहब सभी लोग राजनीतिक रूप से सभी उबे हुए हैं जी, और ये राजनीतिक बातें हम नहीं करते, हम तो ये कहते हैं कि देश सब प्रिय है, जो आपको उचित लगे वहाँ वोट दे, लेकिन आपने वोट का प्रयोग जरूर करें, 100% करें भाई साहब। ठीक है, अभी देश में चुनावी माहौल चला हुआ है और आप ABVP संगठन से जुड़े हुए हो और आज आपने लोहारू में डोर टू डोर अभियान किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी सभी को पता है अभी पूरे भारतवर्ष में एक लोकतंत्र का पर्व चला हुआ है, उसी पर्व की दिशा उसी पर्व में ही हम आज डोर टू डोर ABVP राष्ट्रीय परिषद की तरफ से व सामाजिक संगठन होने के नाते जिम्मेदारी मानते हुए आज हमने डोर टू डोर पुराना शहर से लेकर पूरी मेन मार्केट, रेलवे स्टेशन से होते हुए बस स्टैंड और कोर्ट तक, सिविल कोर्ट तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक मतदाता जागरूक अभियान चलाया गया। हमारा इसमें मेन है कि हम मतदाता जागरूक अभियान इस विषय के लिए चलाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मत अपना डालें, क्योंकि आपने देखा होगा हर स्टेट में कहीं भी ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज नहीं हो रही, पहले से ज़्यादा गत रही है, तो उसी को देखते हुए भी हर व्यक्ति 12 मई को अपनी छुट्टी ना मानकर भी ये मत सोचे भी आज 12 मई है, हमारे ऑफिस से छुट्टी है, हमारी कॉलेज की छुट्टी है, हमारे यानी किसी डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हैं, तो आप ऐसा ना सोचे कि आज हमारी छुट्टी है, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 12 मई को आप किसी भी पार्टी को वोट दें, हम ये नहीं बोलते कि आप पार्टी को एक पार्टी को वोट दें, आप किसी भी पार्टी को वोट डालें, आपका एक लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन हम एक बात बोलना चाहते हैं कि 12 मई को अपना एक जिम्मेदारी मानते हुए आप वोट डालें जरूर जाएँ, ये हमारा मेन मोटिव था। इसी के लेकर मतदाता जागरूक अभियान को लेकर आज हमने डोर टू डोर एक अभियान चलाया। आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हो और विद्यार्थी जीवन ही जी रहे हैं आप एक तरीके से, तो कॉलेजों में लेकर के, सरकारी संस्थाओं में लेकर के, इनको लेकर आपका रोडमैप क्या रहेगा, किस तरीके से जागरूकता अभियान आप चलाएंगे इन संस्थाओं में? अभी मैं बता देता हूँ आपको, अभी काफ़ी 10 दिन पहले भी हमने कॉलेज कैंपस के अंदर जो हमारा लोहारू में गवर्नमेंट कॉलेज है चौधरी बंसीलाल, उसमें हमने क्लास टू क्लास जाकर हमने मतदाता जागरूक अभियान चलाया था। अभी एग्ज़ाम शेड्यूल है इसलिए हम कॉलेज कैंपस में नहीं जा पा रहे हैं, एग्ज़ाम के रिलेटिव, इसलिए हमने पहले ही अपना रोड मैप बनाकर हमने कॉलेज में प्रचार प्रसार किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अपना मत जरूर डालें, क्योंकि अभी एक नया मतलब क्या है तकरीबन कॉलेज कैंपस के जो स्टूडेंट हैं, खासकर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो नए विद्यार्थी हैं और उनमें से मान लो आप 70% ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो पहली बार अपना वोट डालेंगे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमने अपने पत्र के द्वारा, पंपलेट द्वारा उनको हमने बताया और एक अभियान हमने पुलिस कैंपस में चलाया है। अच्छा, इसको लेकर के गाँव में धारणा है कि उनमें अभी तक भी वो जागरूकता नहीं पहुँच पाई है, गाँव की मैं बता रहा हूँ आज, तो आप गाँव में भी जाके जागरूकता अभियान चलाएंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी हमने अपना रोड मैप तैयार कर रखा है, हम एक दो जगह गए भी हैं पहले और अभी हमने स्टार्ट तय भी किए हैं, तो हम डोर टू डोर जाके गांव में भी हम मतदाता अभियान को लेकर अपना अभियान जारी रखें।
एक तरीके से नोटा को ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं लोग, हमने देखा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में, तो अब की बार आप क्या करेंगे ताकि नोटा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा न हो? आप अपने घर से जाते हैं वोट डालने के लिए जाते हैं, तो आप वोट डालने जाओ तो आप, मैं ये नहीं बोल रहा आप किसी पार्टिकुलर पार्टी को वोट डालो, आप जा रहे हो नोटा, अगर आप वहाँ दबा के आ रहे हो तो आपका एक वोट खराब जा रहा है। आप अपना वोट डालो, देश हित के लिए आपको अपना वोट डालना चाहिए, राष्ट्रीय हित के लिए अपना वोट डालो। आपकी भागीदारी, अगर आप अपनी भागीदारी समझते हो, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी समझते हो, तो आपको नोटा ना दबाकर किसी भी, आप जिस पार्टी से आप संबंध रखते हो या आप मानते हो भी हमें, हमारे लिए ये बेस्ट रहेगा, आप उसको वोट दो। लेकिन नोटा दबाना ये मान लो एक आप अपनी लोकतंत्र के अंदर भागीदारी नहीं मान रहे हो। अच्छा, इसके अलावा जो 12 तारीख को चुनाव है, कईयों को छुट्टी नहीं मिलेगी, कई लोग बाहर गए हुए हैं, वो मतदान करें, इसके लिए आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी यही बोला है और अभी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ भी, 12 मई 2019 छठे सातवें चरण में हमारे चुनाव होने हैं हरियाणा के, तो मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ भी, आप 12 मई को अगर किसी की ऐसी कंडीशन हो जाती है वोट डाल नहीं पाते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर 12 मई को अगर छुट्टी है तो कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, चाहे विद्यार्थी हो, तो 12 मई को छुट्टी न मानकर अपना सुबह सुबह, एक अभी चल रहे हैं भी सबसे पहले मतदान फिर जलपान, तो अपना मत जोड़ देता हूँ।